नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा। सीमा के चैनल पर मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का स्वागत है। आज दोस्तों मैं कुछ अच्छा सा DIY लेके आई हूं। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि ऐसा कुछ करें कि एक चीज़ लगाने से आपको ऑयली स्किन वाले, कोई भी स्किन वाले हैं, अगर ये चीज़ लगा लेंगे मेकअप करने से पहले तो आपके चेहरे पर पसीना नहीं आएगा, सारा दिन नहीं आएगा। नाइट में यूज करें, डे में यूज करें, गर्मियों का मौसम है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का और वीडियो स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो है मेकअप करने से पहले आपको सबसे पहले लगाना है बर्फ़। बर्फ़ के बारे में सभी जानते हैं। ये मैंने आइस क्यूब, मैंने दो तरह की यूज़ करी, एक तो खाली पानी से मैंने जो बर्फ़ बनाया और एक दूसरा मैंने इसमें ये बनाया आइस क्यूब। ठीक है, ये मैंने आइस क्यूब बनाया है जो कि आपके फ़ायदे के लिए है और आपको बेनिफिट भी देने वाला है। तो मैंने दो तरह से मैंने बताया, मैंने पहले भी वीडियो अपलोड किया है कि लोगों को परेशानी होती है बार बार फेस पैक बनाओ, बार बार लगाओ, तो मैंने आज सोल्यूशन निकाला है, सबसे बेस्ट सोल्यूशन निकाला है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि जो हॉस्टल में रहती हैं लड़कियां, जो बाहर से आती हैं, ऑफिस से आती हैं, थक जाती हैं, सोचती हैं कौन निकाले बनाए एक घंटा फेस पैक बनाए तो यूज़ करे, इसलिए मैं आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। ठीक है, हम लोग यही सोचते हैं कि हम एक बार फेस पैक बना के रख लें तो लगाएं, फिर पता नहीं कैसे फ्रिज में रखेंगे तो सूख जाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए, आप सबके लिए भी एक अच्छा सा DIY लेके आऊं कि हमारे जो मेकअप हम करें उससे पहले हम लगा लें तो हमारे फेस पे पसीना ना हो, जो मेन मुद्दा मेरा है, जो मेन टॉपिक है हमारे लिए भी और आप सबके लिए भी। ठीक है, हम लोग यही सोचते हैं कि मेकअप कर लें तो वाटरप्रूफ मेकअप सबकी बस की नहीं होती, हम खरीद इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट आते हैं, इतना महंगा महंगा सब कुछ आता है मेकअप, आईलाइनर, मस्कारा, आईशैडो, फेस पाउडर, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो हमारे फेस पे अप्लाई होती हैं, सब लगाएं, सब चीज़ हमें वाटरप्रूफ नहीं मिल पाता है, हम नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए सबका सोल्यूशन एक ही है कि आप अगर आइस क्यूब से अगर मेकअप करने से पहले आपने अपने फेस को जब फेस वॉश से क्लीन कर लिया हो तो उसके बाद आप जो है इस आइस क्यूब से, एक क्यूब से आप इसको जो है अगर आप अपने क्यूब इसको निकाल करके अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको, जो है एक ही क्यूब निकाल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, और हम इसका भी क्यूब निकालेंगे। मैंने जो बनाया क्यों, अब मैंने फेस पैक पे कैसे बनाया मैं वो भी आपको शेयर करूँगी, आपको वो भी मैं बताऊँगी। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो मैंने ये आइस क्यूब ये बनाए हैं, ये तो मैंने फेस पैक के ज़रिए ऐसे बनाया है, आप ऐसे नहीं। तो मैंने इसमें क्या किया है, एक चम्मच ऑरेंज पील पाउडर लिया है और डेढ़ चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है, बस इसका ये फेस पैक। समर के लिए बहुत बेस्ट है सारे स्किन वालों के लिए, तो आप भी ऐसे ही क्यूब बनाइए और इसको ऐसे ही घोल बनाइए। मैंने सादे पानी से घोल बना के इसको इसमें ट्रे में डाल दिया और ये आइस क्यूब बनके तैयार हो गई है। आपको क्या करना है, ऐसे आइस क्यूब लेना है, डेली आप सोते टाइम जब भी आप फ्री होइए, रात में, नाइट में, ऑफिस से आइए या हॉस्टल में रहते हैं, पढ़ाई कंप्लीट करके आइए, शाम को आइए, तो नाइट में आप ऐसे ही यूज़ करिए, एक आइस क्यूब निकालिए और अपने हाथों पर, सॉरी अपने फेस पर ऐसे ऐसे रब करिए, ये आपके फेस को क्लीन भी करेगा और ग्लोइंग भी करेगा और साथ में दोस्तों ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, सेंटैन से रिमूव करेगा बहुत सारी, क्योंकि इसमें मैंने ऑरेंज पील पाउडर मिला रखा है और साथ में इसे मुल्तानी मिट्टी है, इसलिए आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना ही ग्लो करने वाला है फेस को, आपको कितना बेनिफिट देने वाला है ये फेस को कि आप खुद एक बार यूज़ करेंगे फिर कहेंगे हाँ ये कितना अच्छा है। और रही बात ये हमारे आइस क्यूब जो सिंपल हमने पानी से बर्फ़ तैयार किया हुआ है, आप अगर इस ये अप्लाई करेंगे मेकअप करने से पहले, अगर आप इसे आइस क्यूब अपने फेस पे अप्लाई करेंगे ऐसे ऐसे अपने फेस पे, और इसे पोंछना नहीं है, अगर आप अपने फेस पे मेकअप करने से पहले अगर एक आइस क्यूब, पूरा एक आइस क्यूब अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, अगर इसे सूखने देंगे, सूखने के बाद मेकअप करेंगे, ऐसे पानी पोंछना नहीं है, आइस क्यूब से ऐसे ही से मसाज, पूरा एक आइस क्यूब ख़त्म करने के बाद, मसाज करने के बाद आप इसको सूखने के बाद मेकअप करेंगे, तब देखिएगा आप सारा दिन आपका मेकअप टिका रहेगा, आप स्किन की टाइटनिंग भी रहेगी स्किन पर और मेकअप भी टिका रहेगा, पसीना नहीं आएगा क्योंकि आपके जो ओपन पोर्स हैं उसे लॉक कर देगा ये।
ठीक है। तो ये मेरा दोनों तरह की वीडियो रहा आपके पास, आप इसे भी आप मेकअप करने से पहले अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पे। कहीं भी ऑफिस कहीं भी जाना आपको, आप जा सकते हैं, आपके चेहरे पे एक अलग सा ही निखारा रहेगा, एक अलग सा ही ग्लो रहेगा, आपको खुद फील होगा कि ये कितना रिलैक्स, कितना अच्छा लग रहा है मुझे इस पैक लगाने के बाद, कितना अच्छा मुझे मेकअप करने के बाद कितना अच्छा लग रहा, कुछ अलग सा ही लगेगा, कुछ हट कर लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो लेके आती रहती हूँ अच्छी अच्छी। ठीक है दोस्तों, मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।